हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पानीपत ऑक्सीजन प्लांट से हरियाणा व दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों को की जाने वाली आपूर्ति में कुछ कठिनाई आई थी, अब उसका समाधान कर लिया गया है। प्रधानमंत्री से इस संबंध में उनकी बातचीत भी हुई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानीपत ऑक्सीजन प्लांट से ट्रकों में ऑक्सीजन भरने के लिए रोस्टर बना दिया गया है। अब से एक ट्रक हरियाणा के लिए और दो ट्रक दिल्ली व पंजाब के लिए भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे स्वयं पानीपत प्लांट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली को 140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पानीपत प्लांट से दी गई है। पानीपत प्लांट में प्रतिदिन 260 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता है, जिसमें से 140 मीट्रिक टन दिल्ली के लिए तथा 80 मीट्रिक टन हरियाणा के लिए निर्धारित है तथा 20 मीट्रिक टन पंजाब के लिए है। विशेष तौर पर उल्लेख करना चाहूँगा कि दो दिन से ऑक्सीजन की सप्लाई की कुछ कठिनाइयाँ अव्यवस्थाएँ ये देखने को मिली। हालांकि ऑक्सीजन कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में अपने देश में अपने प्रदेशों के आसपास क्षेत्रों में ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त है। हरियाणा में पानीपत की यदि बात करें तो 140 मीट्रिक टन दिल्ली को जाएगी, 80 मीट्रिक टन हरियाणा को मिलनी है और 20 मीट्रिक टन पंजाब को जाएगी। अगर मैं पिछले 24 घंटे की बात करता हूँ तो इसमें से दिल्ली 226 मीट्रिक टन सप्लाई की जा चुकी है, पंजाब में भी 13 मीट्रिक टन गई है, हरियाणा में 87 मीट्रिक टन गई है। तो इसलिए जो 24 घंटे में जितनी सप्लाई ऑक्सीजन की होनी थी वो सब जगह पर्याप्त हुई है और आगे भी इस क्रम को बनाए रखेंगे। हमने पानीपत में और हिसार में जो गैशियस फॉर्म है, गैस फॉर्म में जो ऑक्सीजन उपलब्ध है, वहाँ पर दो बड़े अस्पताल बनाने की, टेम्परेरी अस्पताल बनाने की योजना शुरू की है, ताकि 500-500 बेड के पानीपत में और हिसार में अस्पताल बनने से ये कठिनाई और भी दूर होगी। इसलिए आगे सब लोग अपना विश्वास बनाए रखें, ऑक्सीजन की कमी किसी भी अस्पताल में हम नहीं आने देंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। उन्होंने कहा कि हरियाणा को राजस्थान के भिवाड़ी प्लांट से भी 20 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है। कल उसमें कुछ दिक्कतें आई थी, आज वे राजस्थान के मुख्यमंत्री से भी बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरुग्राम व फरीदाबाद में बेड की उपलब्धता ऑनलाइन कर दी गई है। गुरुग्राम के SGT मेडिकल कॉलेज में 500 बेडों की व्यवस्था कर दी गई है। इसके अलावा वहां के इंडस्ट्रियल एरिया में 150 बेड की व्यवस्था की जा रही है और 50 बेड की व्यवस्था आज हो गई है। उन्होंने कहा कि पानीपत व हिसार में 500-500 बेड की व्यवस्था भी की जा रही है। चंडीगढ़ से वी न्यूज़ के लिए कुमार रिपोर्ट।